इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सरफराज को ना खिलाने पर बाबर ने क्या जवाब दिया। कराची कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि इंग्लैंड से सीरीज में 3 से 4 डेब्यू हुए, जबकि टेस्ट में तजर्बाकार खिलाड़ियों की ज़रूरत है। बाबर आजम ने कहा, पहली इनिंग्स में जल्दी विकटें गिरने से मैच हाथ से निकल गया। हमारे बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की और फाइट बैक किया। अगले मैच में गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज में 3 से 4 डेब्यू हुए, जबकि टेस्ट मैच में तजर्बाकार खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। बाबर आजम मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस सीरीज में 3 से 4 डेब्यू हुए, जबकि टेस्ट मैच में तजर्बाकार खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि नए खिलाड़ियों को वक्त देना पड़ता है। कोशिश करेंगे नए लड़कों को पूरा वक्त दें। बाबर आजम ने कहा था कि पहले 2 मैचेस हमारे हाथ में थे, जीत जाते तो सूरत हाल कुछ और होती। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में काफ़ी मुश्किलात हुई। अब प्लानिंग करेंगे कि अपने बेहतरीन फास्ट बॉलिंग यूनिट को आजमाएं। अबरार अहमद ने इंग्लैंड के लिए मुश्किलात पैदा की। टेस्ट मैच में ऐसे बॉलर चाहिए होते हैं जो विकटें लें। इंग्लिश बैटर्स अबरार अहमद को खोलकर खेल नहीं सके। सरफराज और फवाद आलम को ना खिलाने के सवाल पर कौमी कप्तान ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज अहम थी, इसलिए रिजवान जो कि मुसलसल खेलते हुए आ रहे थे, इसलिए हमारा प्लान था कि जो फॉर्म में है और खेलते हुए आ रहे हैं उन्हें खिलाया जाए और बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे और जो बेहतर होगा वो करेंगे। उन्होंने कहा कि फवाद आलम फॉर्म में नहीं थे, उनकी जगह सऊद शकील आए, उन्होंने फॉर्म परफॉर्म किया। हमारी नई टीम है, जितने मौके देंगे तो नतीजा आएगा, लेकिन किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। प्लानिंग होती है, इस पर अमल कर रहे हैं, टीम का माइंडसेट तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त लगेगा, अगर अच्छे नतायज नहीं आएंगे तो हर तरफ से बातें होंगी। हमारी मैनेजमेंट बेहतरीन है और वो अपना तजुर्बा खिलाड़ियों के साथ शेयर करते हैं। बाबर आजम को कोच से मुतालिक सवाल पर बाबर ने कहा कि हमारी मैनेजमेंट बेहतरीन है, वो अपना तजुर्बा खिलाड़ियों के साथ शेयर करते हैं। कोच सिर्फ बता सकते हैं, अमल दरामद तो ग्राउंड में खिलाड़ी ही करते हैं।